हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज सेकंड ऑफ मे है, ट्यूसडे का दिन है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल सेक्शन में, उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। और मे के पहले मतलब दिसंबर लास्ट ईयर से लेकर के अभी तक अप्रैल तक के सारे आर्टिकल्स हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के, जब जब हमने इंडियन एक्सप्रेस को डिस्कस किया वो, और जब जब हमने द हिंदू को डिस्कस किया, सभी न्यूज आर्टिकल डिस्कशन साइंस और टेक वाले सेक्शन सभी कुछ हमारे चैनल पे अवेलेबल। इसका नाम है अनंत आईएएस, और इस पे आप बैकलॉग में जाकर के इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं डिस्कशन को। अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो पहला आर्टिकल हम उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सेज इट कैन एंड वेट फॉर कंसेंशुअल डाइवोर्स। ध्यान देने वाली बात है कि डाइवोर्स वाले टॉपिक पे ना जाते हुए आर्टिकल 142 को हमको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में, और ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 में ऐसे कौन से राइट्स दिए हैं जिसको एक्सरसाइज करने के बाद कंसेंशुअल डिवोर्स को वो अंजाम दे सकता है। राइट, जब भी सुप्रीम कोर्ट के में कोई भी चेंज होता है या कोई भी ऐसा डिसीजन आता है जिससे उनके राइट्स और सुप्रीम कोर्ट के राइट्स और ड्यूटीज में कुछ बड़ा इफेक्ट लेकर के आते हैं तो हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, वैसे तो अगर आप कहें तो कंसेंशुअल डिवोर्स या नॉर्मल सोशल इश्यूज में हम उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट का नाम आ गया तो मान ली वो बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो बच्चे आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनके लिए बता दूं कि मैं यूपीएससी से जुड़े हुए न्यूज आर्टिकल्स को डिस्कस करती हूँ, स्टेट पीएससी से जुड़े हुए न्यूज आर्टिकल्स को डिस्कस करती हूँ, साथ ही साथ एसएससी और बैंक के से डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं, लेकिन हाँ जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज से जुड़े टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को उठाते हुए। ठीक है, वापस आते हैं। तो इस आर्टिकल में हमको यूपीएससी के लेवल से क्या समझना है कि आर्टिकल 142 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के राइट्स को लेकर क्या कहा गया है जो आपके प्री और मेंस में सवाल बन सकता है। वैसे अगर आप कहें कंसेंशुअल डिवोर्स में कोई टॉपिक पूछा जा सकता है तो ऐसा कुछ पूछे जाने का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बनना मुश्किल है, लेकिन जहां पे रोल्स एंड ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट को टच करती है तो पूछा भी जा सकता है। मेंस में सोशल इश्यूज वाले में आप इसको पूछा सकता है, GS2 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे हेल्ड दैट इज इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्क्रिप्शन अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूज टू डू कंप्लीट जस्टिस फॉर कपल्स ट्रैप्ड इन देयर बिटर मैरिजेस बाय ग्रांटिंग देम डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, स्पेयरिंग देम द मिजरी फॉर वेटिंग फॉर 6 to 18 months फॉर अ लोकल कोर्ट टू डिक्लेयर द एनुलमेंट फाइनल। होता क्या है कि डिवोर्स होने के बाद या डिवोर्स की प्रोसीडिंग होने के बाद 6 महीने से लेकर के 18 महीने तक का वेट किया जाता है कि शायद अगर कोई पार्टी फिर से केस दाखिल करना चाहती हो या रिक्लेम करना चाहती हो या कोई इसको दिक्कत है उस डिसीजन से तो दोबारा से वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है उस और केस को दोबारा उठा सकती है। तो 6 से लेकर के 18 महीने तक का वेट किया जाता है दोनों पार्टीज की तरफ से। ये प्रोसीडिंग है कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब म्यूचुअल कंसेंट जिन लोगों का डिवोर्स होता है जहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है और म्यूचुअल कंसेंट से किसी का डिवोर्स हो रहा है जहां पार्टियां तैयार हैं कि भैया हमको डिवोर्स चाहिए तो हमें फिर क्यों 6 से 18 महीने तक वेट करना पड़े उन लोगों को। तो इस तरह की टाइमलाइन को कम करने के लिए और लोगों को कम परेशानी हो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि अब कंसेंशुअल डिवोर्स जो पार्टीज आपस में डिवोर्स लेके जल्दी से फटाफट अलग होना चाहती हैं उनके लिए इतना बड़ा टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है, उसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं और उनको हम डिवोर्स या डिक्री इशू कर देंगे। द वर्ड इज डिक्री। डिक्री का मतलब होता है फाइनल वर्डिक्ट, एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट होता है, इसमें लिखा होता है कि भाई फाइनल जजमेंट ये है और दोनों पार्टीज ने इसको एक्सेप्ट किया तो उसको सुप्रीम कोर्ट पक्का कर सकता है। Now taking this logic forward, the bench held that the Supreme Court could also use Article 142 to grant divorce on the ground of irretrievable breakdown. Irretrievable मतलब जो कोई वापस नहीं किया सकता of marriage. If the separation is inevitable and damage is irreparable, the judgment is significant as irretrievable breakdown of marriage is not yet a ground for divorce under the Hindu Marriage Act. जो शादियां ठीक नहीं हो सकती, जिनको नहीं बचाया जा सकता, irreparable और दूसरा वर्ड यूज किया है irretrievable. एक होता है retrieve वर्ड होता है उसको जस्ट अपोजिट irretrievable जो breakdown होते हैं उस लिहाज से भी आर्टिकल 142 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट डिवोर्स डिक्लेयर कर सकता है। जजमेंट डज नॉट मीन पीपल कैन रश स्ट्रेट टू द सुप्रीम कोर्ट। ये भी कहा के वी विश्वनाथन जो सीनियर एडवोकेट ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि अब लोग दौड़े सुप्रीम कोर्ट की तरफ
ऐसा नहीं होना चाहिए. फॉर द क्विक डिवोर्स इट मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट यूजिंग ग्रेट केयर एंड कॉशन कैन इन्वोक आर्टिकल 142 टू डील विद सर्टेन केसेस व्हिच कम टू बाय और ट्रांसफर पिटिशंस और अपील्स इन सिविल और क्रिमिनल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स. तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है, जहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही है केस में, जहां पे दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, वहां पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो केस चल रहा है. पर जहां पे म्यूचुअल कंसेंशुअल डायवोर्स है, दोनों पार्टी से कंसेंट दे दी है डायवोर्स के लिए और साथ में नहीं रहना चाहते हैं, उनके लिए ये अप्लाई होता है मेजोरिटी में. बट अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई दिक्कत है और ऐसा कोई केस है जहां पर डिवोर्स मिल जाना चाहिए और देरी हो रही है, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करते हुए पार्टीज को राहत दे सकता है डिवोर्स डिक्लेयर करते हुए. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो नॉर्मल फैमिली कोर्ट्स है वहां पर डिवोर्स को लेकर बहुत दिक्कतें रहती हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ईजी नहीं है, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट कंसेंट दे सकता है. अच्छा, 142 क्या है? प्रोवाइड्स अ यूनिक पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज वेयर एट टाइम्स द लॉ फॉर स्टैट्यूट मे नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी. तो ये एक तरीके का कंप्लीट जस्टिस है उन पार्टीज के साथ जिनके साथ जस्टिस नहीं हो पाया समय के हिसाब से, कोई रेमेडी नहीं मिली. किसके द्वारा? कोर्ट्स के द्वारा. इन दो सिचुएशन द कोर्ट कैन एक्सटेंड इटसेल्फ टू पुट एन एंड टू अ डिस्प्यूट इन अ मैनर दैट वुड फिट द फैक्ट्स ऑफ द केस. ठीक है, नाउ व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ आर्टिकल 142. अच्छा, 142 का क्रिटिसिज्म भी हमको पता होना चाहिए. GS2 में पहले सवाल बना है इसके ऊपर. तो अगर 142 में संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है तो उसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं. वो क्या है? द सुप्रीम द स्वीपिंग नेचर ऑफ दीस कोर्ट्स हैज इनवाइटेड द क्रिटिसिज्म दैट दे आर आर्बिट्री एंड एम्बिगुअस. क्लियर, मतलब आर्बिट्री हैं और एम्बिगुअस, क्लैरिटी नहीं है उनके अंदर. दिस इज फर्दर आर्ग्यूड दैट द कोर्ट देन हैज वाइड डिस्क्रिशन एंड इज अलाउज द पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ मिसयूज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर देयर कंप्लीट जस्टिस. क्योंकि इसको कंप्लीट जस्टिस कहा जाता है आर्टिकल 142 को, तो इसकी डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है. ये समझने वाली बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो काफी अच्छे से एलिब्रेट नहीं की गई है. एलिब्रेट ना करने की वजह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि गवर्नर के रोल को लेकर बहुत एम्बिग्यूटी है कहीं कहीं, और स्पेशली जैसे कि अभी रिजोल्यूशन पास हुआ तमिलनाडु में, भी पढ़ेंगे उसको हम, कि गवर्नर के बिल को पास करने के टाइमलाइन को लेके एक रिजोल्यूशन पास किया गया तमिलनाडु में. तो इस तरह की चीजें तो है ही संविधान में, उसमें से एक चीज 142 भी है. मेरे ख्याल में इस बार GS2 में एक क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की गई है ठीक से, उसके चलते कहीं कहीं डिस्प्यूट है, कहीं एम्बिगिटीज हैं. तो उसके लिहाज से क्या आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए, किसकी बात मानी जानी चाहिए, कि संविधान को लेकर के पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाना चाहिए या कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाना चाहिए. तो GS2 में सवाल बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीजें इनकेपेबल या फिर इनकेपेबल तो नहीं कहना चाहिए, अनएक्सप्लेन है. तो जो शब्द यूज हो सकता है वो है अनएक्सप्लेन्ड, और अनएक्सप्लेन ना होने की वजह से कुछ चीजें एम्बिगिटी भी लेके आती हैं. उस लिहाज से सवाल बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है. अच्छा, आफ्टर बिहार ओडिशा बिगिंस सर्वे ऑफ ओबीसी कास्ट. तो बिहार ने कास्ट सेंसस किया था, उसके बाद अब ओडिशा का नाम आ गया है. ओडिशा गवर्नमेंट ऑन मंडे बिगेन अ सर्वे ऑफ पीपल फ्रॉम द अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी बिलोंग टू 210 कास्ट इन द स्टेट टू डिटरमिन देयर सोशल एंड एजुकेशन स्टेटस. अच्छा, इस न्यूज में पढ़ने लायक क्या है कि कास्ट सेंसस क्या चीज है, राइट? और कास्ट सेंसस पता होने के साथ साथ किस स्टेट ने कराया जरूरी नहीं है, इसका इसका फायदा या नुकसान या इसका इसका इम्पैक्ट सोशल लाइफ पे, लोगों की सोशल लाइफ पे क्या पड़ सकता है. अगर कास्ट सेंसस होता है तो उससे पढ़ने वाले इम्पैक्ट के बारे में एक सवाल बन सकता है. कास्ट सेंसस क्या चीज है, और इसे बेसिकली SECC कहते हैं. SECC इसे लिखा हुआ है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. जैसे कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी एक कैटेगरी है, राइट? हम जानते हैं कि EWS कैटेगरी तो है, लेकिन इससे क्या वाकई लोगों को कुछ राहत मिलती है? अगर कैटेगरी बनाने सिर्फ नाम के लिए कैटेगरी बना दी जाती है और वाकई लोगों को फायदा नहीं है उस चीज से, फायदा का मतलब कुछ भी राहत नहीं है, ना उनको कोई कोटा मिलता है, जैसे कोटा की बहुत बात होती है, ना ही उनके पास कोई कोटा है, मतलब कोई सीट्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं है ज्यादातर, और उनकी फी में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है. तो ऐसे ऐसे कैटेगरी को बनाने से क्या फायदा, सो बंद कर देना चाहिए.
कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप इस तरह की कोई सेंसस के बारे में पढ़ें, तो कोशिश ये करें उसके इम्पैक्ट को जानने की कोशिश करें, उसका इम्पैक्ट क्या होता है समाज के ऊपर, ये सेंसस करने की जरूरत क्या है, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेप है कि भैया चुनाव आने वाले हैं तो कास्ट सेंसस करा लो, कास्ट सेंसस कराएंगे तो हमको आने वाले चुनाव में वोट मिल जाएंगे। तो जो इम्पैक्ट है वो पता करना जरूरी है, और ऑफकोर्स कास्ट सेंसस क्या होती है ये भी बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको वन हॉर्न या फिर वन हॉर्न राइनो बोला जाता है आसाम में, बहुत मिलते हैं उसकी पिक्चर है, बट ये पिक्चर आसाम के काजीरंगा की नहीं है। अ वाटर बफेलो विद देयर काव्स एट द पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मोरेगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, आसाम का ही है लेकिन वहां का एक और सेंचुरी है पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस तरह के नाम पूछे जाते हैं फ्री के लिए, इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको लिख सकते हैं कहीं पे, जहां पे आपको वन हॉर्न राइनो और वाटर बफेलो भी आपको दिख जाते हैं, ये काव्स भी है साथ में उसके और ये बफेलो भी यहाँ पे खड़ी हुई है। आसाम का ही सीन है, आसाम की एक सेंचुरी पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और 80 इंडियंस अरेस्टेड ड्यूरिंग गैम्बलिंग रेड इन थाईलैंड, और अरेस्ट किया गया 80 इंडियंस को और गैम्बलिंग की रेट के लिए। उसमें वायलेशन हुआ कुछ नियमों का, नियमों का नाम है FEMA वायलेशन, फॉरेन एक्सचेंज। तो इसे पहले फेरा कहा जाता था, FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था पहले, अब ये फेमा हो चुका है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा। तो फेमा ने किसकी जगह ली, और साथ ही साथ एक नाम आता है कॉम्पिटिशन एक्ट का भी नाम आता है, कॉम्पिटिशन एक्ट याद रखिएगा, पूछा भी गया है पहले। तो इन एक्ट के बारे में थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क है आज का, ये इन एक्ट के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लें, फेरा क्या था, फेमा कैसे बना, और कॉम्पिटिशन एक्ट क्या है, इसकी कवरेज क्या है। पहले भी हम कई बार इसको इसके ऊपर केस आए हैं, डिस्कस किए हैं हमने, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं नोट्स में कहीं आपने लिखा हो तो आप फेमा को लिख लीजिए, इसलिए मैंने इसको इन्वॉल्व किया है। फेमा के वायलेशंस पे नहीं जाना है, सिर्फ फेमा क्या है और वो क्या है कवर करता है ये जानना जरूरी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हुआ आज का। नाउ ये आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं मनुराज शनमुगा सुंदरम इज अ स्पोक्स पर्सन द्रविड़ा मुनेत्रा कजगम DMK एंड एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। वैसे भी जो गवर्नर है तमिलनाडु के, उन्होंने इस नाम को रिकमेंड किया था कि वो कजगम नाम रखना चाहते हैं, ना कि तमिलनाडु में ये नाम होना चाहिए, उसमें DMK जो उनका रियल जो द्रविडियन थ्योरी के हिसाब से ये नाम होना चाहिए, ये नाम वही है। वेल ये लिखना चाहते हैं सर कि कॉन्स्टिट्यूशनल हाई ऑफिसर्स मस्ट इवॉल्व गाइडलाइंस टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज इन अ टाइम बाउंड मैनर सेफ गार्डिंग द विल ऑफ द पीपल। अच्छा, इस तरह के जब भी मैं हमेशा कहती आई हूँ कि जब भी इस तरह के एडिटोरियल्स आपको मिले तो आप कोशिश ये करें कि उसमें से अपने मतलब की बात निकालें जो आपके यूपीएससी के लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, और किसी भी ओपिनियन की तरफ ना जाते हुए, ऑल्दो कोई भी एडिटोरियल एक ओपिनियन के आधार पर ही लिखा जाता है पर वो उसकी पर्सनल ओपिनियन होती है, हमारी तो होती नहीं है, हम उसको पढ़ रहे हैं, राइट। तो उसको पढ़ने के बाद आप खुद की ओपिनियन को बनाएं और फैक्ट जितना हो सके, फैक्ट ले सकते हैं ऑफकोर्स, फैक्ट तो हर जगह मिल जाएंगे, पर आप सोचिए कि एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपके लिए कितना फायदेमंद है और यूपीएससी के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी सिर्फ एक प्री और मेंस की तैयारी नहीं है, ये इंटरव्यू तक जाती है। सोचिए अगर यही सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, इसलिए आपको आपको पूरी तरीके से ओपिनियन अपनी खुद की बनानी चाहिए, ना कि किसी की ओपिनियन को कॉपी करें। ठीक है, नाउ सर कहना चाहते हैं रिसेंटली तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली पास रिजोल्यूशन सीकिंग टू प्रोवाइड फॉर अ टाइम फ्रेम फॉर गवर्नर्स टू एक्ट ऑन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इसी रिजोल्यूशन की बात कर रहे थे जब तमिलनाडु ने एक टाइमलाइन के लिए बिल को पास किया कि भैया गवर्नर किसी बिल के ऊपर बैठा हुआ है, नहीं पास कर रहा, तो कोई टाइमलाइन होनी चाहिए जो कहीं पे भी संविधान में क्लियरली नहीं बताई गई है, कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई है, राइट, गवर्नर के लिए स्पेसिफिकली। नाउ द मोटिवेशन वाज दैट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु आर.एन. रवि had withheld assent to as many as 13 bills passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly. और मिस्टर रवि के लिए पहले भी कई कंट्रोवर्सीज आई हैं, फिर से नई कंट्रोवर्सी, 13 बिल पे बैठे हुए हैं, पास नहीं किए उन्होंने अभी तक। लास्ट वीक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइल डिस्पोजिंग ऑफ अ केस फाइल्ड बाय द स्टेट ऑफ तेलंगाना अगेंस्ट इट गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौदराजन रिमार्क दैट गवर्नर शुड नॉट सिट ओवर बिल्स इनडेफिनेटली। और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ऑलरेडी कि किसी भी बिल पे गवर्नर को एक अनिश्चित काल के लिए बैठना या सिट ओवर का मतलब रोक के रखना जरूरी नहीं है, रोकना नहीं चाहिए। टेकिंग दिस सेंटिमेंट फादर
The idea of constitutional punctuality need not to be restricted to gubernatorial offices alone. Gubernatorial शब्द यूज होता है किसी सरकार के अगेंस्ट में, जब कोई सरकार प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है तो उसके लिए शब्द यूज होता है गवर्नेटोरियल, राइट? गवर्नेटोरियल आर साइलेंट है इसमें. और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हाई ऑफिसर्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ असेंबलीज मस्ट सो मोर टू इन्वॉल्व गाइडलाइंस टू डिस्चार्ज ड्यूटीज इन अ टाइम बाउंड मैनर. देखिए अभी तक की सरकारों में ये देखा गया सालों में कि गवर्नर्स का रोल जो था वो काफी कुछ जो रियलिटी है वो यही है कि गवर्नर का रोल कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट पे चलता है. गवर्नर खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता, वो हमेशा एक एडवाइजरी लेवल पर कैबिनेट या फिर जो भी मंत्रिमंडल है स्टेट का हो या सेंटर का हो, कैबिनेट और साथ ही साथ आपका जो सेंटर बैठा हुआ सीएम है या पीएम है उसके सब एडवाइज के ऊपर ही काम करते आए हैं गवर्नर्स. और यही कहा भी गया सुप्रीम कोर्ट में. पर इधर कुछ सालों में कुछ ना कुछ एम्बिगिटीज गवर्नर क्रिएट कर रहे हैं अपने राइट्स की वजह, अपने राइट्स के साथ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही हमने पढ़ा है समझा है कई समय से हम देख रहे हैं. तो उस लिहाज से ये समस्याएं बनती चली जाए जब गवर्नर को ये नहीं पता कि अगर पता है तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे शायद, इसकी वजह से एम्बिगिटीज बनी हुई है और ये हो रहा है. रेजोल्यूशन पास ऑन अप्रैल 10, 2023 द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली अर्ज यूनियन गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एडवाइज द गवर्नर टू डिसाइड ऑन द बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव. अब ये रिक्वेस्ट करनी पड़ रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको बोलिए कि बिल पास करें. इस तरीके की आपस में जो ये तकरार चल रही है जिसको बोलते हैं कि जो इंटर होता है ना इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट है, ये गवर्नमेंट किससे बनती है अगर आप ध्यान दें, एक सेंटर में होती है गवर्नर होता है उसके पास एक कैबिनेट है और उसी उसी की अपन उसी का एक चुना हुआ नेता है जिसे हम सीएम कहते हैं, राइट? सेंटर की मैं बात कर रही हूँ. तो ये तीनों मिलके ही गवर्नर बनाते हैं. अब इनके बीच में कुछ बन नहीं रहा, आपस में नहीं बन रही, तो उस केस में क्या है ये इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट है. आपस में डिस्प्यूट होने की वजह से एक्चुअली किसी स्टेट की संप्रभुता और वहां के नियमों का उल्लंघन होता है और ये घटना बनती है जो ठीक नहीं है. किसी भी सेंटर या स्टेट में अगर ऐसी चीज होती है विच इज नॉट फीजिबल, विच इज नॉट राइट एज पर इंडियन डेमोक्रेसी एंड इंडियन लेगेसी, राइट? नाउ सब्सिक्वेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु टू इट्स काउंटर पार्ट्स अदर अपोज्ड रूल्ड स्टेट्स एंड एनकरेज देम टू पास सिमिलर रेजोल्यूशन इन देयर असेंबलीज. और इसीलिए तमिलनाडु ने और स्टेट्स को भी लिखा और उन्होंने सपोर्ट भी किया कि भैया हाँ गवर्नर्स को अपना काम करना चाहिए और इस तरीके समय पे बिल पास करना चाहिए. द स्टेट हैड ऑलरेडी फिल्ड अ राइट पिटिशन सीकिंग डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नर टू डिसाइड ऑन द बिल्स पास बाय द असेंबली इन अ टाइमली मैनर. टाइम की समस्या है, टाइम से पास हो जाए बिल समस्या सॉल्व हो जाएगी. नाउ आर्टिकल 200 क्या कहता है इसमें ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज इट स्टैंड्स टुडे लिमिट्स द ऑप्शंस बिफोर द गवर्नर टू गिव असेंट टू द बिल सेंट बाय द लेजिस्लेचर और विदहोल्ड असेंट और रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ये तो है लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर चाहे स्टेट का गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसिडरेशन के लिए किसी बिल को रोक सकता है. बट द नब ऑफ द इशू इज दैट गवर्नर्स हैव रॉन्गली अंडरस्टूड द फंक्शन टू ग्रांट असेंट टू हैव एंडाउड देम विद सम डिस्क्रिशनरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. पर यहाँ पे कुछ एम्बिगिटी हो गई, ये लिखना चाह रहे हैं सर कि यहाँ कोई दिक्कत हो गई, ये इनको समझ नहीं पाए कि वो हर बिल को नहीं रोक सकते, किसी स्पेसिफिक बिल की बात हो रही है जहां पे कुछ चीजें क्लियर ना हो. ऐसा नहीं कि आप हर बिल को रोक लेंगे, क्योंकि अगर आप रोकते हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आप क्या बिल को फॉरवर्ड कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल डेड हो जाता है. तो उस केस में क्या होना चाहिए इसके ऊपर ये बात इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है. However, the direct import of the words used in the Constitution as well as composite reading of the debates in the Constitution Assembly when this portion of the Constitution was deliberated and subsequently adopted portrays on the altogether different interpretation. Now, original draft Article 175 moved for the discussion 1949 read as follows. Provided that where there is only one house of legislature and the bill has been passed by that house, the governor may in his discretion return the bill together with this message requesting that a house will reconsider the bill. देखिए ये जो बात वो कह रहे हैं कि जब 1949 पे जब संविधान की बहस चल रही थी संविधान सभा की, उस वक्त ही बात को कहा गया कि जब भाई एक ही हाउस प्रैक्टिस में हो या समय एक्टिव हो तो उस केस में गवर्नर चाहे तो बिल को
कैंसिल कर सकता है और रिक्वेस्ट मैसेज रिटर्न कर सकता है बिल को विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द हाउस विल कंसिडर द बिल। ये जो नियम है वो भी एक हमेशा के आदिकाल, एक आदिकाल के लिए नहीं हो सकता, एक इनफिनिट एक इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं हो सकता, एक टाइमलाइन के लिए ही हो सकता है। मतलब आप बार बार किसी बिल को वापस हाउस को नहीं भेज सकते एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बात को जो हाईलाइट कर रहे हैं सर वो सही है, लेकिन वो हमेशा हर सिचुएशन में नहीं। सवाल यहाँ पे ये है कि 13 बिल ही पेंडिंग है, क्या 13 बिलों को आप ऐसे कर सकते हो, खट्टे लेके बैठ सकते हो कि नहीं हम पास ही नहीं करने वाले? दैट इज नॉट रिटन एनी वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही एम्बिग्यूटी है कि क्या टाइम बाउंड होना चाहिए, क्या चीजें हो जो क्लैरिटी लेके आ सकती हैं, क्या उसको पार्लियामेंट क्लियर कर सकती है या इसको सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर सकता है, इसके ऊपर GS2 पे एक सवाल बन सकता है GS2 में। और आपके प्री के लिए याद रखिए, गवर्नर के रोल्स राइट्स एंड ड्यूटीज पे पक्का इस बार प्री पे एक सवाल बनेगा फॉर श्योर। ये तो पक्का पूरे साल गवर्नर्स पे ही बहस चल रही है, ठीक है। नाउ अब आते हैं टाइम बाउंड गवर्नर्स पे। वो कहते हैं इन द केस फाइल बाय स्टेट ऑफ तेलंगाना अगेंस्ट द गवर्नर द सुप्रीम कोर्ट फाउंड इट टू फिट टू हाईलाइट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 200 व्हाइल डिस्पोजिंग ऑफ द केस ऑन अप्रैल 24-23 द कोर्ट एक्नॉलेज दैट द वर्ड इन आर्टिकल 200 words in article 200 as soon as possible after the presentation of the bill held significant constitutional content and that governor should necessarily bear this in mind। to matlab ye governor ko samajhna hai ki bhaiya ye aap hi ki sarkar hai, aap hi ki sarkar ek bill pesh kar rahi hai, pass karke aapko bhej rahi hai, to fir aap kyun rok ke baithe hue hain? to ye jo cheez hai ये इनहेरेंट है, ये संविधान का जो मुख्य पार्ट में से एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हर गवर्नर को समझना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है इसलिए इस तरह की चीजें बन रही हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी के जो चीज बोली गई, पंक्चुअलिटी किसकी? गवर्नर की पंक्चुअलिटी। और गवर्नर के अलग है सरकार से? नहीं, गवर्नर तो पार्ट है सरकार का। तो वो अगर ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब उसकी आपस में कोई इंटरनल डिस्प्यूट है जो नहीं क्लियर हो पा रहे। अगर ऐसा नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ क्लैरिटी लानी चाहिए, ये सर कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द डेथ ऑफ अनदर नेहरूवियन आइडिया में हमारे दिनेश सी शर्मा साहब लिखते हैं कि एक और संस्था है जो नेहरूवियन एरा, मतलब पंडित नेहरू के समय चली आ रही थी, उसको उसको खात्मा हो गया, खत्म हो गई वो। और वो क्या है? अ फ्यू डेज आफ्टर नेशनल साइंस डे February 28 दिस ईयर एन ऑफिशियल प्रेस रिलीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी GST क्रिप्टिकली अनाउंस द डेथ ऑफ विज्ञान प्रसार। विज्ञान प्रसार नाम की संस्था थी, ऑटोनोमस बॉडी थी। इट डिड नॉट एक्सप्लेन द डिसीजन टू शट डाउन, उसको बंद कर दिया गया, रीजन नहीं बताया गया। अच्छा, अब हमारी सवाल क्या है कि भैया विज्ञान प्रसार क्या, थोड़ा पढ़ना चाहिए, प्री पूछा जा सकता है कि क्या थी ये। विज्ञान प्रसार स्टार्टेड फंक्शन 1989। इट वॉज अ नेहरूवियन आइडिया ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड साइंटिफिक अवेयरनेस ट्रेसिंग इटसेल्फ टू द अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस। इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ अनब्रोकन चेन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज कंसर्निंग साइंटिफिक टेंपर सिंस 1947। एसेंशियल इनपुट्स इन द नेशनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन द क्रिएशन ऑफ नेशनल लेबोरेटरीज, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लार्ज डैम्स एंड सो ऑन। टू फाइट इरेशनली एंड ऑब्सक्योरेंटिज्म Nehru's supported a scheme to open Vigyan Mandirs, these science centers established to popularize scientific ideas in rural population। तो इसके अंदर थोड़ा पढ़ना जरूरी है, पूछा जा सकता है। इसको आप पूरा एक बार गो थ्रू कर लें, इस आर्टिकल को थोड़ा नोट्स बना लें, प्री के पर्पज से मेरी समझ से इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि कहीं आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाते हैं इससे जुड़े हुए, पिछले कुछ सालों में कुछ काम किया हो संस्था ने अगर, तो मेरे नॉलेज में नहीं है, तो आप मेन्स के लिए भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है चाइनाज अमेंडेड एंटी स्पाइनेज लॉ। इसमें बता रहे हैं कि भैया चाइना ने कुछ अपने स्पाइनेज लॉ में चेंजेस लाए हैं, वो क्या है समझ लेना चाहिए हमको फटाफट से। द अमेंडमेंट्स कम अमिड अ स्ट्रिंज ऑफ हाई प्रोफाइल केसेस इन्वॉल्विंग जर्नलिस्ट, फॉरेन एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एज इंटरनेशनल कंपनीज इन चाइना हु हैव कम अंडर द लेंस ऑफ अथॉरिटीज ऑन नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स। मतलब हाई प्रोफाइल केसेस में एग्जीक्यूटिव्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, फॉरेन एग्जीक्यूटिव्स को भी स्पाइनेज लॉ के अंदर लाया जा रहा है। ऐसा उनको लगा कि भैया स्पाइनेज बढ़ रहा है तो उनको वो अपने नियमों को भी बदल रहे हैं। द आइडिया बिहाइंड द लेजिस्लेशन इज टू प्रिवेंट, स्टॉप एंड पनिश स्पाइनेज कंडक्ट एंड मेंटेन सोशल नेशनल सिक्योरिटी। जिस्ट क्या है, April 26 को क्या हुआ, चाइनाज लेजिस्लेचर अप्रूव स्वीपिंग अमेंडमेंट्स टू चाइनाज एंटी स्पाइनेज लॉ, नियम बदल दिए गए, ब्रॉडनिंग द स्कोप बढ़ा दिया गया एंड वे व्हाट मे बी डिफाइंड एज एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्पाइंग एंड नेशनल सिक्योरिटी।
अब उसमें किया क्या गया, द ब्रॉड एम्बिट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज लॉस फोकस ऑन इन्वॉल्विंग अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच टू काउंटर स्पाइनस। सारी सोसाइटी को मिला लो, उसका मतलब ये है कि अप्रोच लेकर आए कि होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच टू काउंटर स्पैनिश इवोक्ड कंसर्न्स अमंग बोथ राइट्स ग्रुप्स एंड फॉरेन इंटरप्राइजेस इन चाइना। तो उन्होंने कहा कि हमको हमारे ऊपर कोई स्पाई करे इससे पहले हम अपनी सोसाइटी को तैयार कर लेते हैं उस स्पाई को तोड़ने के लिए। स्टोरी क्या हुई, अप्रैल 26 चाइनाज लेजिस्लेचर अप्रूव्ड स्वीपिंग अमेंडमेंट्स टू चाइनाज एंटी स्पैनिश लॉ ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ व्हाट मे बी डिफाइंड एज एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्पाइंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। द अमेंडमेंट्स कैन कम अमिड अ स्ट्रिंग ऑफ हाई प्रोफाइल केसेस, हमने पढ़ी लिया है। उसके बाद The expanded law follows the Xi Jinping government's increasing focus on security and a recent policy shift that now emphasizes the dual importance of development and security. Xi Jinping साहब का दोबारा जो इस बार चयन हुआ है उसके बाद कई पॉलिसीज में बड़े चेंजेस किए गए हैं, उसमें से ये चेंज भी काफी बड़ा है। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम पढ़ सकते हैं, ये आपको एग्जैक्टली पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इस आर्टिकल को आप गो थ्रू कर सकते हैं, इसलिए मैंने डिटेल में इसको डिस्कस नहीं किया है। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 200 वाला जो आर्टिकल 200 वाला जो एडिटोरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, ठीक है। नाउ स्पेनिश लॉ है क्या, फॉरेन गवर्नमेंट्स आर स्पेशली कंसर्न वेदर चाइनीज कंपनीज पर्टिकुलरली इन द टेक सेक्टर वुड बी मैंडेटेड टू ऑफर द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा टू द अथॉरिटीज। मतलब उनको ऐसा डाउट है कि कहीं चाइना डेटा लीक तो नहीं करता है। फॉर इंस्टेंस वन आर्टिकल ऑफ लॉ मैंडेट्स द ऑल स्टेट ऑर्गन्स एंड आर्म फोर्सेज पॉलिटिकल पार्टीज एंड पब्लिक ग्रुप्स एंड ऑल एंटरप्राइजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव द ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट एंड स्टॉप स्पेनिश एक्टिविटीज एंड मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी। मतलब जिन देशों को या जिन कंपनीज को ऐसा लगता है कि चाइना डेटा लीक करता है या उनके डेटा को स्प्रेड करता है, उनकी भ्रम को तोड़ने के लिए चाइना की इनहेरेंट पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने सारी कंपनीज को के ऊपर जो स्पाइनिश एक्टिविटीज होने की पॉसिबिलिटीज है, जो ऑब्लिगेशन है, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने नियमों चेंजेस किए हैं, विच इज गुड, विच इज क्वाइट गुड इन चाइना की इमेज के लिए भी बहुत अच्छी बात है। नाउ अनदर आर्टिकल इनकरेजेस ऑर्डिनरी सिटीजंस टू मेक पार्ट इन नेशनल, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने क्या किया है कि एक आर्टिकल कहता है कि ऑर्डिनरी सिटीजंस टू टेक पार्ट इन नेशनल एंटी स्पैनिश एफर्ट। मतलब अब सिटीजंस भी स्पैनिश को दूर करने के लिए काम करेंगे। भाई कोरिया में तो चल ही रहा है, अब यहाँ पे भी हो रहा है और ये किसी को नहीं पता अभी तक चल भी रहा था कि नहीं चला चाइना में, ठीक है। बाय रिपोर्टिंग टू द अथॉरिटीज एनी एक्टिविटी डीम्ड टू बी सस्पिशियस एंड एंडेंजरिंग नेशनल सिक्योरिटी। मतलब अभी तक ये क्लियर मतलब हो सकता है चाइना में चल ही रहा होगा कि इंटरनल वहां के सिटीजन वहां के स्पाइज बन के काम करते होंगे, लेकिन अब फिलहाल एक नियम हो गया है जिसमें वो कहा जा रहा है कि ऑर्डिनरी सिटीजन को भी नेशनल एंटी स्पैनिश एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए और एंटी स्पैनिश टर्म्स पे काम करने के लिए देश को के सपोर्ट में काम करना पड़ेगा, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कंसल्टेशंस ऑन सेडिशन लॉ आर इन फाइनल स्टेज। सेंटर ने कहा है कि भाई जो राजद्रोह कानून है वो अपने अंतिम चरण पे है और उसके ऊपर कंसल्टेशन चल रहा है कि क्या होगा, इसको रखा जाएगा, खत्म किया जाएगा, चेंजेस किए जाएंगे। मैंने क्यों उसको शामिल किया है कि आर्टिकल 124A करके आपसे पूछा जा सकता है प्री में कि भाई कौन सा लॉ है ये, अभी क्लियर कुछ नहीं हुआ है लेकिन ये लॉ क्या है इसके बेसिक्स के बारे में पूछा आपसे जा सकता है और प्री में सवाल इससे बन सकता है कि भाई सेडिशन लॉ क्या था। कॉलोनियल एरा का ये लॉ है, काफी पुराना और इसको कई देशों में हटा दिया गया है, हमारे पाकिस्तान में से भी हट गया है अभी, लेकिन इंडिया में है तो ये अपने कंसल्टेशन के फाइनल दौर में है और हो सकता है इसको हटा भी दिया जाए, ठीक है। नाउ इंडिया लीड्स इन लॉन्ड्रिंग रशियन ऑयल एंड सेलिंग टू यूरोप। रिपोर्ट कहती है कि प्राइस कैप कोलिशन कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड इंपोर्ट ऑफ रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, चाइना, टर्की, यूएई एंड सिंगापुर that have become the largest importers of Russian crude, says Finland-based group, thereby circumventing the sanctions. तो अब क्या, अभी तो भाई बहुत क्लियर बात है कि रशिया से बहुत सारे देश तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया भी उसमें से, चाइना भी उनमें से। नाउ कुछ देश और टर्की या यूएई या सिंगापुर, समझ वाली बात क्या है इस आर्टिकल में कि भैया रिपोर्ट किसने लिखी, कहां से आई। उसके पहले इंडिया लीड्स फाइव कंट्रीज नेम एज अ लॉन्ड्रोमैट, ये पूछा जा सकता है प्री में आपसे कि भाई लॉन्ड्रोमैट क्या हो गया।
लॉन्ड्रोमार्ट शब्द कहां से निकला, क्या है, कौन से देश आते, तो इसमें ये देश आते कंट्रीज दैट बाय रशियन ऑयल एंड सेल प्रोसेस प्रोडक्ट टू यूरोपियन कंट्रीज, द साइड स्टेपिंग यूरोपियन सैंक्शंस, ठीक है, इनको कहते हैं लॉन्ड्रोमैट, ये नाम पूछा जा सकता है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। ना ये रिपोर्ट आई हुई है Kepler and a report by the international agency Bloomberg that showed how European Union countries, which are all part of the price cap coalition, that bars trade and insurance for any oil purchase above a certain price from Russia. Russia के ऊपर कैप लगाई, कैपिंग करी गई थी कि और सैंक्शन लगाए गए थे कि भैया आप जो तेल दे रहे हैं इस लेवल के ऊपर का तेल, अगर आप इस बॉर्डर के ऊपर जो प्राइस आप लगाओगे हम आपसे तेल नहीं लेंगे, पर रशिया नहीं माना। उस केस में क्या हुआ, उसने बाकी देशों को तेल बेचना चालू कर दिया। रिपोर्ट कहती है टाइटल लॉन्ड्रोमैट, हाउ द प्राइस कैप कोलिशन वाइट वॉशेस रशियन ऑयल इन द थर्ड कंट्रीज बाय द सेंटर ऑफ रशियन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA। तो कहना चाहती है भाई यूरोप को नहीं बेच रहा, बाकी देशों को तो बेच रहा सक, उसके ऊपर सेंक्शन लगाने का फायदा भी क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा इन देशों का नाम लिया गया लॉन्ड्रोमैट। तो इस केस इस नाम को पूछा सकता है, और एनालिसिस के हिसाब से जो देश तेल ले रहे हैं और जो रशिया तेल दे रहा है उस केस में इकोनॉमिकल बेनिफिट को तो आप समझ सकते हैं कि भाई रशिया ऑलरेडी यूक्रेन से वॉर में है और इस वजह से उसके पास सेंक्शंस लगाए गए थे। बट समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सेंक्शंस लगाने के बाद भी भाई बहुत सारे देश हैं जो तेल ले रहे हैं, तो मतलब उसका जो इकोनॉमिकल सपोर्ट तो पूरा हो रहा है, पैसा उसके पास आ ही रहा है ना, और उस पैसे से वो लड़ रहा है। तो इस वजह से इस रिपोर्ट को हाईलाइट किया गया है, नाम याद रखिएगा डोंट्रोमैट। नाउ इनॉग्रल आसियान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज साउथ चाइना सी फ्रॉम टुडे। तो इंडियन नेवल शिप्स का सतपुरा नेवल शिप सतपुरा और दिल्ली अराइव टू पार्टिसिपेट इन द आसियान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज सिंगापुर ऑन मंडे। इसको याद रखिएगा, इसका नाम है एग्जीबिशन IMDEX23, डिफेंस एग्जीबिशन है। उसके ऊपर जो नाम है शॉर्ट फॉर्म आसियान इंडिया मैरिटाइम एक्सचेंज, और इसका जो सिंगापुर मंडे में एक्सरसाइज शुरू हुई इसका नाम याद रखिएगा, और सतपुरा जो नेवल शिप है उसका नाम भी याद रखिएगा। ऑल्दो इस तरह की एक्सरसाइज चलती रहती हैं, जिन देशों के बीच होती हैं वो भी समझना जरूरी है, और जिनसे नहीं होती हैं वो भी समझना जरूरी है, कभी कभी पूछा जाता है, प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ ईएंड कंप्लायंसेस लिफ्ट अप्रैल जीएसटी रेवेन्यू टू रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़। जीएसटी का जो कंप्लायंस लिफ्ट अप्रैल में बन के रेवेन्यू रिकॉर्ड आया है 1.87 लाख करोड़। जीएसटी तो बढ़ रहा है, लेकिन आप देखिए जीएसटी बढ़ रहा है, हाउएवर होलसेल प्राइस इंडेक्स बेटर है और सीपीआई में कमी नहीं आ रही है। उसके लिए आरबीआई के सर पे एक तलवार लटक रही है बराबर से, जो हमारा थ्रेशोल्ड है 4 से 6% का उसके बीच में होना चाहिए, बीच में आ भी गया था, कुछ हद तक आया था, पर उतना बेटर नहीं है। However, revenue from goods import declined 4.5%, even as domestic transactions yielded 16%. ICRA, ICRA rating agency है, उसके report, उसके chief economist Aditi Nayyar expects a normalizing base and cooling inflation to moderate growth in GST revenue. इसका इसको बस समझने के लिए समझ सकते हैं। रेवेन्यू जब इस तरह की कोई न्यूज आती है जीएसटी के बारे में, पढ़ लीजिए भाई जीएसटी क्या चीज है, बेसिक्स क्या है, जितनी बार जीएसटी आ रहा है उसको पढ़ लीजिए एक बार, रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। नाउ पीएमआई का मतलब होता है प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एक सिग्नल है जो बताने का कि मैन्युफैक्चरिंग किस लेवल पे जा रही है, कम है ज्यादा है, और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इसका कंजम्पशन भी बढ़ना चाहिए, और अगर कंजम्पशन कम है तो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करके क्या होगा। हाउएवर इसके ऊपर S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग प्राइस इंडेक्स, मैनेजर्स प्राइस इंडेक्स निकलता है ये बताने के लिए कि एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कहाँ स्टैंड करता है, तो इस लिहाज से मैंने इसको ऐड किया। कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म से पूछे जाते हैं, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज एनालिसिस, साथ ही साथ एडिटोरियल एनालिसिस द हिंदू का। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर ऐसा है तो गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई सजेशन है आपके पास मेरे लिए तो प्लीज मुझे लिखिए, मैं जरूर उसको अपने चैनल पे अपने वीडियो पे ऐड करने की कोशिश करूंगी, और मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस में कल, तब तक तैयारी करते रहिए।